हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज फिल्म धूम के 3 पार्ट आ चुके हैं और अब इसके 4th पार्ट के आने की खबरें तेज हो गई हैं। धूम 4 का हल्ला हाल ही में तब हुआ जब अभिषेक बच्चन की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो एकदम अलग अवतार में नजर आ रहे थे। सेलेब्स के हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। साथ ही अब इसमें साउथ एक्टर सूर्य के होने की भी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि वो इस मूवी में दिखाई देंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी धूम के 3 पार्टों में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा तो रहे ही हैं, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, मगर जिसके पीछे वो पूरी मूवी में भागते हुए दिखाई देते हैं उस कास्ट में हर बार नए एक्टर्स नजर आते हैं। जॉन इब्राहिम, बिपाशा बासु, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और आमिर खान कैटरीना कैफ के बाद अब सूर्या का नाम लिया जा रहा है। धूम 4 पर आयान मुखर्जी, विजय कृष्ण आचार्य और श्रीधर राघवन के साथ आदित्य चोपड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, मगर डेकन हेराल्ड के मुताबिक सूर्या YRF की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म धूम 4 में विलन के रोल में नजर आ सकते हैं। मेकर्स ने एक रोल के लिए एक्टर से संपर्क किया है और अभी बात चल रही है। वहीं जब अभिषेक बच्चन की तस्वीर सामने आई तो उसे देख कुछ ने कहा था कि ये उन्होंने फिल्म किंग के लिए लुक लिया है और कुछ ने दावा किया था कि वो धूम 4 के लिए है। हालांकि लोगों को उनका ये नया अवतार खूब पसंद आया था, सभी ने खुलकर तारीफ की थी। अब इंटरनेट पर सूर्या के फिल्म में होने की खबर से फैंस बहुत खुश हैं। उन्होंने इंटरनेट पर इस बात का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। लोगों ने सूर्या की फिल्म विक्रम के किरदार की क्लिप शेयर की है और कहा है कि अब रोलेक्स भाई ACP जय दीक्षित की नाक में दम कर देंगे। बीच में खबर आई थी कि इस मूवी में शाहरुख खान भी होंगे, लेकिन इन दावों को खारिज कर दिया गया था। धूम 2004 में रिलीज हुई थी जिसने भारत में 31.45 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 50.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं धूम 2 2006 में आई थी जिसने भारत में 80.91 करोड़ और दुनिया भर में 147.4 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा धूम 3 2013 में रिलीज हुई थी, इसने भी अपनी ही पिछली दोनों मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत में 284.27 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 558 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। पहले 2 पार्ट्स के बीच 2 साल का अंतर था, लेकिन फ्रेंचाइज के 3rd पार्ट को लाने में मेकर्स को 7 साल लग गए थे। वहीं अब इसके 4th पार्ट को वो 11 साल बाद लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे क्या आप धूम 4 में सूर्या को विलन के रोल में देखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।